श्रीनगर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल को मजीद बेहतर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके तहत रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट वायलेशन, तेज़ रफ्तार जैसे ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी करने वालों पर नज़र रखी जाएगी और ऐसे करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। SSP मुजफ्फर अहमद शाह ने बताया कि पूरे शहर में जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं जो लाइव वीडियो कैप्चर करेंगे। इसके अलावा जगह जगह सेंसर भी लगने का काम चल रहा है ताकि ट्रैफिक की ताज़ा जानकारी हासिल करने में आसानी हो सके। इस सिस्टम का मकसद शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने और सड़क हादसों पर रोक लगाना है। ट्रैफिक पुलिस अगर इस किस्म के इकदाम उठा रही है तो ये एक अच्छा कदम है, जिस एतबार से हम देखते हैं कि अगर कोई भी वायलेशन हो जाती है तो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले मोबाइल हाथ में लेके सीधे से पता चलता है कि इस ट्रैफिक वाले ने फोटोग्राफ उठाया, हमने वायलेशन की थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोगों के बीच और ट्रैफिक पुलिस के बीच टकराव भी होता है, बहुत सारी जगहों पे टकराव भी हुआ। लेकिन जब ऐसा सिस्टम कायम हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली जहाँ पे कोई वायलेशन हो जाएगी तो आप ऐसे आलात नसब करेंगे जहाँ पे पूरे से ये वाजह हो जाएगा और सबूत भी साथ होगा कि इस शख्स ने वायलेशन की। कि इसमें अगर आप वायलेट करेंगे आपको सिस्टम पकड़ेगा और आपका जो चालान वो जनरेट होगा ही होगा, और इसमें बचने का चांस कोई नहीं है क्योंकि फोटोग्राफ भी है इसमें और आपका वीडियो भी आपको दिया जाएगा। दिस सिस्टम इज़ वर्किंग, दिन हो या रात हो आपने रूल्स को फॉलो करना ही करना है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है, आप वायलेट करेंगे आप पकड़े जाओगे।